अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस तरह से कोरोना वायरस की सेकेंड वेव को लेकर बहुत सारे लोग परेशान हैं, उसी तरह म्यूकोरमाइकोसिस, जो ब्लैक फंगस के नाम से एक इन्फेक्शन है, इसको लेकर भी बहुत सारे लोग परेशान हैं। म्यूकोरमाइकोसिस ये एक बहुत रेयर इन्फेक्शन है। ये इसका कारण ये है कि जब एक म्यूकोर मोल्ड्स को या फिर फंगल स्पोर्स को जब हम एक्सपोज हो जाते हैं, तब ये इन्फेक्शन हमें होता है। ये जो फंगल स्पोर्स हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट में रहते हैं, जैसा कि एक सॉइल में रहते हैं, जैसा कि एक एयर में भी हमारे पास रहते हैं, और एक डिकेड वेजिटेबल्स या डिकेड फूड के अंदर भी ये पाए जाते हैं। यहाँ तक कि ये हमारे म्यूकस में और हमारे नोज़ में भी ये रहते हैं। इसका सबसे आज देखते हैं हम कोविड के जो पेशेंट्स हैं, ये पेशेंटों के अंदर ये इन्फेक्शन ज़्यादा से फैल रहा है, ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो ये ऐसे पेशेंटों में दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, और ऐसे पेशेंट जो अनकंट्रोल्ड डायबिटिस मेलेटस से गुजर रहे हैं, जो हाई बहुत शुगर रेट उनका बहुत ज़्यादा है, और ऐसे पेशेंट जो हाई स्टेरॉइड थेरेपी पे हैं, हाई स्टेरॉइड जो ले रहे हैं बहुत ज़्यादा टाइम से, उनको भी इसके अंदर भी ये इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है, और बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन थेरेपी पे जो हैं लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा टाइम से, उनको भी इसके अंदर ये इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है ऐसे लोगों के अंदर भी। और हमें देखने में आता है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो कोविड पेशेंट जो रहते हैं उनका जो एनवायरनमेंट है, उसकी एक खराबी की वजह से भी, और जो ह्यूमिडिफायर ऑक्सीजन सिलेंडर्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर का जो वाटर रहता है उसको चेंज नहीं करने की वजह से, वो पानी गंदा रहने की वजह से भी ये इन्फेक्शन वो लोगों के अंदर दिखाई दे रहा है। इसके सिम्टम्स को अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर आपको पता चलेगा कि फेशियल पेन रहेगा, चीक पेन रहेगा, उसके अंदर ब्लर विजन, डबल विजन उसके अंदर हमें दिखाई देगा, और कफ इन ब्लड, जब खांसेंगे तो उसके अंदर थोड़ा ब्लड ब्लीडिंग निकलेगी, रनी नोज रहेगा, नोज का ब्लॉकेज रहेगा आपको, और इसी तरह से चेस्ट पेन रहेगा, ब्रेथलेसनेस रहेगी, और ब्लैकिश डिस्कलरेशन ऑफ नोज नेजल ब्रिज रहेगा, और ब्लैक स्पॉट्स अराउंड द आईज एंड नोज, ये सारे सिम्टम्स हमें इसके अंदर दिखाई देंगे। इसका प्रिकॉशंस, इसके ट्रीटमेंट ये है कि इसको सर्जरी कर ही, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इसका सर्जरी है, नहीं तो एंटीफंगल थेरेपी देकर इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। सबसे अच्छा इसको प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। आज इसके प्रिकॉशंस के तौर पर ऐसा है, जो भी आज स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे हैं, हाई डोसेज ऑफ स्टेरॉइड जो यूज़ कर रहे हैं, उसको अननेसेसरी जो हाई डोसेज ऑफ स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हैं उसको हमें अवॉइड करना है, और स्टेरॉइड्स जब टाइमली और लिमिटेड जितना ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करना है। और जब ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर जो ह्यूमिडिफायर बॉटल आता है उसको डे वन या डे टू दो दिन के अंदर उसको क्लीन करना है, और ख़ासकर मिथिलीन ब्लू का उसके अंदर इस्तेमाल करना है। और जो लोग भी डायबिटीज मेलेटस से गुजर रहे हैं, हाई शुगर उनका है, तो शुगर को कंट्रोल करना है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हुए चलना है, और इम्यूनिटी बूस्टर्स के जो टैबलेट्स आते हैं, जो गिज़ा आती है, वो उन्हें लेने की आज ज़रूरत है। ये जब भी ये सिम्टम्स म्यूकोरमाइकोसिस के, जो ब्लैक फंगस के जो सिम्टम्स हैं, तभी भी उनके अंदर नज़र आते हैं, तो ये बेझिझक डॉक्टर के पास अप्रोच होना है, उनके पास जाकर अपना ट्रीटमेंट कराना है, क्योंकि जब ये डिसीज़ विग्रस हो जाती है, बहुत ज़्यादा कंडीशन सीरियस हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम्स हमें इसके अंदर फेस करने की पड़ता है। तो सबसे इससे अच्छा है कि हम लोग जल्द से जल्द डॉक्टर के पास अप्रोच हों और अपना ट्रीटमेंट आसानी से करा लें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। मैं डॉक्टर समामा, मेड फोरम, स्टेट कोऑर्डिनेटर, कर्नाटका।